वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम एक बार फिर से चर्चा करेंगे राजस्थान पुलिस 2022 के लिए भाग ब की टॉप 35 क्वेश्चनों की सीरीज हमारी लगातार चल रही है और इसमें करंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस सब आपको मिक्स आपको टॉप 35 क्वेश्चन मिलते हैं और डेली आपको ये सीरीज हमारी लगातार आपको सीरीज हम डेली आपको उपलब्ध करवा रहे हैं, क्योंकि राजस्थान का पुलिस का एग्ज़ाम है जो बहुत ही एग्ज़ाम की डेट है वो नज़दीक आ चुकी है, इसलिए लगातार आपको ये महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ ये क्लास मिलती है शाम रोज़ शाम 8 बजे लाइव में। तो सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो आज पार्ट नंबर मैं 16 लेके आई हूँ, 15 इससे पहले मैंने उपलब्ध करवा दिए। तो पहला क्वेश्चन देखो आज का, असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा आदि राज्यों में मानसून पूर्व आने वाले तड़ित झंझावतों को क्या कहा जाता है? आमर वर्षा, काल वैसाखी, चक्रवाती वर्षा या मानसून विभंगता? बताइए मुझे भी, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आदि राज्यों में मानसून पूर्व आने वाले तड़ित झंझावतों को क्या कहा जाता है, यानी कि कौन सा मानसून कहा जाता है या कौन सी वर्षा कहा जाता है? भी असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में आती है जो मानसून आता है उसको क्या बोला जाता है? तो ध्यान रखना, उसको बोला जाता है काल बैसाखी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, तमिलनाडु के दोतियाई क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तमिलनाडु के दोतियाई क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटराइट मिट्टी? बताइए मुझे इसका आंसर। सभी विद्यार्थी मुझे इसका लाइव में कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल मिट्टी। तो ध्यान रखना, तमिलनाडु के दोतियाई क्षेत्र पर लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, किस नदी को प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जाना जाता है? किस नदी को प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जाना जाता है? कोसी, सोन, नर्मदा या ताप्ती नदी? कौन सी नदी है? बताइए मुझे इसका आंसर। सारे विद्यार्थी लाइव में और लाइक और शेयर करते रहना वीडियो को। तो ध्यान रखना, अरुण नदी के नाम से जाना जाता है कोसी नदी को, जो बिहार का शोक कहलाती है। तो आपसे पूछ सकते हैं भी, बिहार का शोक कौन सी नदी को कहते हैं? कोसी नदी, और इसको अरुण नदी के उपनाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल या झारखंड? बताइए मुझे, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बिहार के उपरांत दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? यानी कि बिहार के उपरांत दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? केरल, पश्चिम बंगाल, हरियाणा या उत्तर प्रदेश? बताइए मुझे इसका आंसर। भी बिहार के बाद दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो ध्यान रखना, किसका है? पश्चिम बंगाल का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस खनिज के उत्खनन के लिए विख्यात है? यूरेनियम, बॉक्साइट, लोह अयस्क या मैग्नीज? बताइए मुझे। एक तो ये आपको क्वेश्चन बन सकता है भी, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो ध्यान रखना, कर्नाटक में। और ये किस खनिज के लिए उत्खनन के लिए विख्यात है? तो ध्यान रखना, लोह अयस्क के लिए। ऑप्शन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत के जो संविधान है उसको गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियम के प्रांतीय राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव? तो बताइए मुझे, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कैबिनेट मिशन 1946। कौन सी थी? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत क्या है, भारतीय संविधान सभा का गठित करने का आधार है था। अगला क्वेश्चन देखो, भारत का संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? यानी कि भारतीय संविधान का प्रथम अधिवेशन कब हुआ या कब शुरू हुआ? 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 19 नवंबर 1947 या 30 जून 1949? बताइए मुझे इसका आंसर सारे विद्यार्थी। तो ध्यान रखना, भारत का संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था? हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या राजस्थान? भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो,
संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 48 या अनुच्छेद 50। बड़े ही शानदार क्वेश्चन है, आपको डेली सीरीज मिलती है टॉप 35 क्वेश्चनों की, क्योंकि 20-22 दिन बचे हैं एग्जाम के लिए, तो तैयारी आप लगातार चैनल के साथ बने रहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 50 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? 10, 15, 12 या 20 कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना कितनी है? 12। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, देखो करंट का आ गया। हाल ही में भारत और किस देश के बीच पूर्वी ब्रिज सिक्स वायु अभ्यास आयोजित हुआ है? हाल ही में भारत और किस देश के बीच पूर्वी ब्रिज सिक्स वायु अभ्यास आयोजित हुआ है? श्रीलंका, ओमान, फ्रांस या नेपाल? बताइए मुझे इसका आंसर सारे विद्यार्थी। ध्यान रखना ये राजस्थान में ये अभ्यास हुआ था। भारत और किस देश के बीच है? तो ध्यान रखना भारत और ओमान के बीच में हुआ था, राजस्थान में इसका आयोजन किया गया। पूर्वी ब्रिज सिक्स अभ्यास है भारत और ओमान के बीच में। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में 8वीं बार अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? बताइए मुझे इसका आंसर सारे विद्यार्थी। हाल ही में 8वीं बार अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? ये जीता है अपने देश भारत ने। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू की है? किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू की है? जापान, इज़राइल, चाइना या भारत? बताइए मुझे इसका आंसर है। करंट का क्वेश्चन आपका एक भी गलत नहीं होना चाहिए, तो ध्यान रखना इसको उत्तर हो जाएगा चीन। किस देश ने शुरू की है मेट्रो लाइन? चाइना देश ने। अगला क्वेश्चन देखो, किस देश ने दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया है? डुअल मोड है वाहन पेश किया है, किस देश ने दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया है? चाइना, जापान, श्रीलंका या रूस? बताइए मुझे इसका आंसर सारे विद्यार्थी, और लाइक और शेयर करते रहना वीडियो को। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जापान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो राजस्थान का करंट का क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी की गई गरीबी सूचकांक में राजस्थान में सर्वाधिक गरीबी किस जिले में आंकी गई है? झुंझुनू, जैसलमेर, बाड़मेर या कोटा? भी नीति आयोग के द्वारा जारी की गई गरीबी सूचकांक में राजस्थान में सर्वाधिक गरीबी किस जिले में आंकी गई है? तो इसका आंसर मुझे सारे विद्यार्थी बताएंगे, और ये बताना है भी राजस्थान का इस नीति आयोग द्वारा गरीबी सूचकांक में स्थान कौन सा था भारत में, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। सभी विद्यार्थी मुझे इसका जवाब देंगे भी गरीबी सूचकांक में राजस्थान का कौन सा स्थान था इसमें, ये मुझे बताना है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाड़मेर। सबसे गरीबी किस जिले में आंकी गई है? बाड़मेर में। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज 100% लगाने वाला पहला जिला कौन सा बना है? राजस्थान में कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज 100% लगाने वाला पहला जिला कौन सा बना है? कोटा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या प्रतापगढ़? बताइए मुझे इसका राइट आंसर। और राजस्थान करंट की बात है तो ये तो आपका गलत होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि डेली आपको शाम डेली आपको 7:30 पर डेली आपको राजस्थान करंट मिलता है नाना क्लासेस पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़। क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़ क्या है? कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज 100% लगाने वाला पहला जिला बन चुका है। अब देखो साइंस का क्वेश्चन, बांझपन रोधी विटामिन कौन सा है? विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन ए या विटामिन की? बताइए मुझे बांझपन रोधी विटामिन कौन सा है? देखो साइंस का क्वेश्चन है, अच्छी तरह से पढ़ लेना क्वेश्चनों को, एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं आपको ये सेम टू सेम क्वेश्चन। तो कौन सा है बांझपन रोधी विटामिन? विटामिन ई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, जलीय तथा कीट बख्शी पौधा कौन सा है? जलीय तथा कीट बख्शी पौधा है यूट्रिकुलेरिया, डायनोरिया, डोसेरा या कोई नहीं? बताइए मुझे जलीय तथा कीट बख्शी पौधा है, तो ध्यान रखना कौन सा है? यूट्रिकुलेरिया। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आहार नाल का वह कौन सा भाग है जो यकृत से पित्त रस ग्रहण करके इसे पित्ताशय में संग्रहित करता है? यानी कि आहार नाल का वह कौन सा भाग है जो यकृत से पित्त रस ग्रहण करके इसे पित्ताशय में संग्रहित करता है? तो वो कौन सा है? सुंद्रांध, अग्नाशय, पेट या ग्रसिका? इसका राइट आंसर मुझे क्या होगा? तो ध्यान रखना कौन सा हो जाएगा? अग्नाशय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोड्यूसर गैस है, बताइए मुझे प्रोड्यूसर गैस कौन सी इसमें से?
CO तथा H का मिश्रण, CO तथा H का मिश्रण और CO तथा Cl का मिश्रण या CO और N का मिश्रण। बताइए मुझे प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण किसका मिश्रण है, प्रोड्यूसर गैस। तो ध्यान रखना CO तथा N, ये है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी तो CO तथा N2 का मिश्रण, यहाँ पे N2 आएगा ऐसे, किसका हो जाएगा CO तथा N2 का मिश्रण है प्रोड्यूसर गैस, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, अहमदाबाद, कलकत्ता, सूरत या आगरा, बताइए मुझे। और ईस्ट इंडिया की स्थापना कब हुई थी, 1600 ईस्वी, कब हुई थी 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। और भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ लगी थी, सूरत में, कहाँ पर लगी, सूरत है गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रुद्रेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है, रुद्रेश्वर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात या राजस्थान। अब ये आपको पता है राजस्थान में ये तो मंदिर है नहीं, रुद्रेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ध्यान रखना ये है तेलंगाना में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनको अच्छी तरह से आप पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन देखो, निमित्त मात्र हूँ मैं नामक पुस्तक के लेखक कौन है। निमित्त मात्र हूँ मैं नामक पुस्तक के लेखक कौन है, रवि शास्त्री, दलाई लामा, नरेंद्र मोदी या कलराज मिश्र, बताइए मुझे इसका आंसर। निमित्त मात्र हूँ मैं नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ध्यान रखना इसके लेखक हैं कलराज मिश्र, जो राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल हैं। तो ध्यान रखना कलराज मिश्र के द्वारा निमित्त मात्र हूँ मैं ये पुस्तक है, ये लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी नहर प्रशांत महासागर को कैरिबियन सागर से जोड़ती है, कौन सी नहर है प्रशांत महासागर को कैरिबियन सागर से जोड़ती है, स्वेज नहर, कील नहर, पनामा नहर या बाल्टिक नहर, इसका जवाब दीजिए मुझे सारेदार्थी भी। कौन सी नहर प्रशांत महासागर को कैरिबियन सागर से जोड़ती है, तो वो है पनामा नहर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी एक विश्व की प्राचीनतम चट्टानों में से निर्मित गोंडवाना लैंड का एक है, एक भाग है। निम्न में से कौन एक विश्व की प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित है, एक है गोंडवाना लैंड का एक भाग है, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर की विशाल पर्वतमाला, मध्य का विशाल मैदानी भाग या उपरोक्त सभी, बताइए मुझे इसका आंसर सारे विद्यार्थी। जितने विद्यार्थी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं तो बताइए मुझे इसका आंसर सारे विद्यार्थी। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय से निम्न में से किसके द्वारा पृथक होती है, जो ट्रांस हिमालय ना, ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय इनको पृथक कौन करता है, तो बताइए मुझे। मेन सेंट्रल थ्रस्ट, इंडो सांगपो सचर जोन, मेन बाउंड्री फॉल्ट या वृहद सीमावर्ती भ्रंश, बताइए मुझे इसका आंसर। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है ये एग्जाम की दृष्टि से, तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंडो सांगपो सचर जोन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना ट्रांस हिमालय को वृहद हिमालय से पृथक कौन करता है, इंडो सांगपो सचर जोन ये अलग करता है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी नहीं है, कौन सी एक बंगाल की खाड़ी में नदी नहीं गिरती है, ब्राह्मणी, पेनार, कृष्णा या नर्मदा नदी, बताइए मुझे। नर्मदा नदी है, कृष्णा नदी है, पेनार नदी है या ब्राह्मणी नदी है, कौन सी है जो एक बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, तो वो कौन सी है, नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, जल में घुलनशील विटामिन युग्म कौन से हैं, बताइए मुझे जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, बी तथा सी, ए और डी, ए और ई, डी और के, ये तो बड़े ही एग्जामों में क्वेश्चन आई बार लगभग हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी है, जो दो विटामिन है वो क्या है, जल में घुलनशील ये विटामिन है बी और सी। अगला क्वेश्चन देखो, शर्करा को एल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के किस नाम से जानी जाती है, यानी कि शर्करा को एल्कोहल में परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया है वो किस नाम से जानी जाती है, पार्श्वीकरण, जीवाणुशासन, समांगीकरण या कीवन, बताइए मुझे इसका आंसर है। भी शर्करा को एल्कोहल में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, तो राइट इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कीवन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कीवन के नाम से जानी जाती है। राज्य विधानमंडल की सदस्यता के बिना कोई मुख्यमंत्री कितने समय तक अपने पद पर बना रह सकता है, राज्य विधानमंडल की सदस्यता के बिना कोई मुख्यमंत्री कितने समय तक अपने पद पर बना रह सकता है, वो बना रह सकता है 6 महीने तक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में कौन सा नवीन विषय जोड़ा गया है,
42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में कौन सा नवीन विषय जोड़ा गया था? केंद्र राज्यों का संबंध, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, सीमा शुल्क व निर्यात शुल्क, कृषि भूमि के उत्तराधिकार पर। बताइए मुझे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 32 नंबर का उत्तर दीजिए मुझे सारे विद्यार्थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या नियंत्रण में परिवार नियोजन ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में। अगला देखो, किस विषय पर सिफारिश देने के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था? किस विषय पर सिफारिश देने के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन की मांग, केंद्र व राज्यों पर संबंध, राज्यपाल के रूप में एक गैर दलीय व्यक्ति की नियुक्ति या उपरोक्त सभी। बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा कि किस विषय की सिफारिश पर सरकारी आयोग का गठन किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र व राज्यों पर संबंध के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सितंबर 2021 तक भारतीय संविधान में कुल कितने संशोधन किए जा चुके हैं? सितंबर 2021 तक भारतीय संविधान में कुल कितने संशोधन किए जा चुके हैं? 98, 103, 107 या 105? बताइए मुझे इसका राइट आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक, 105 संशोधन किए जा सकते हैं सितंबर 2021 तक। आज का अंतिम क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस स्थान से प्राक हड़प्पा संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं जिन्हें झुक्कर व जांगर संस्कृति कहते हैं? यानी कि किस स्थान से प्राक हड़प्पा संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं जिन्हें झुक्कर व जांगर संस्कृति कहते हैं? तो ध्यान रखना, चौहुंदड़ो, लोथल, कालीबंगा या बनावली। अंतिम क्वेश्चन का मुझे जवाब दीजिए सारे विद्यार्थी। तो ध्यान रखना, अंतिम क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? चौहुंदड़ो, ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर इसको क्या है, प्राग हड़प्पा संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं जिसे क्या है, झुंकर व झांगर संस्कृति भी कहा जाता है। किस स्थान से? चौहुंदड़ों से। तो ये 35 क्वेश्चन थे, डेली आपको क्लासेज मिलती है। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, PDF आपको इसकी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो लगातार आपको सीरीज मिल रही है टॉप 35 क्वेश्चनों की। अब 20-22 दिन बचे हैं, इसलिए आपको एक दिन अब महिला एवं बाल अपराध से संबंधित और एक दिन आपको ये टॉप 35 क्वेश्चनों की सीरीज आपको डेली मिलती रहेगी। तो लगातार चैनल के साथ बने रहिए, शाम 8 बजे लाइव सभी विद्यार्थी तैयार रहें क्योंकि 20-22 दिन आपके लिए बहुत ही खास दिन है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।